समझने का बहुत बड़ा माध्यम है। हम चौपाल के माध्यम से हम एक दूसरे की समस्या जो है उसको समझने का बहुत प्रयास कर रहे हैं। इससे बहुत लाभ हो रहा है कि एक दूसरे की जो समस्या है, व्यक्तिगत समस्या या गांव की सार्वजनिक समस्या है, उससे हमें एक दूसरे से शेयर करने में बहुत आसानी होती है। और चौपाल के माध्यम से जो कि चौपाल पहले बहुत समय पहले लगा करता था, अब आज की डेट में कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। उसका कारण है कि आज की डेट में जो सोशल मीडिया है उस पे बच्चे बहुत ध्यान नहीं दे रहे हैं, सोशल मीडिया मोबाइल के पीछे जा रहे हैं। और आज के डेट में चौपाल का माध्यम ये है, चौपाल के माध्यम से बड़े बुजुर्गों के बीच में बैठना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बड़े बुजुर्गों की सलाह है, उनकी बात से आज के डेट में युवाओं को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिसके लिए चौपाल एक बहुत ही अच्छा साधन है और अच्छा माध्यम है। जैसे चौपाल को संबोधित कर रहे थे प्रत्याशी जो नगर पंचायत के हैं, उनका कहना है कि हमें वोट के नजरिया से ना देखा जाए, मैं सिर्फ जनता की समस्या सुन रहा हूँ, इस पर क्या कहना आपका? जी, उनका कहना बहुत सत्य है, उनका कहना बिल्कुल ठीक है। इसको चुनाव के नज़रिए से ना देख करके सामाजिक नज़रिए से देखा जाए तो अच्छा है, क्योंकि इसके माध्यम से हम एक दूसरे की आवश्यकताओं को, समस्याओं को समझ सकते हैं, उनकी आवश्यकताओं को जान सकते हैं, और जिसके जिसके लिए उसके निस्तारण के लिए हम कार्य कर सकते हैं, लग सकते हैं। नगर पंचायत में कैसा प्रत्याशी आप लोग चुनना चाहते हैं? हम नगर पंचायत में एक शिक्षित सुयोग या कर्मठ सुयोग प्रत्याशी चुनना चाहते हैं, जो नेता ना हो बेटा हो, बेटे की तरह हम लोगों के बीच में आए और अपने घर की तरह हम लोगों के बीच बैठे, हमारे मुखिया हमारे घर हमारे परिवार की तरह रहे हम लोगों के बीच में, और हम लोगों की हर दुख सुख में हमारे हर एक समस्या में शरीक को शामिल हो, हमारी हर समस्याओं को दूर करने के लिए सक्षम।